लौंडे मेहनत कर रहे हैं कि रोटी सही से गोल गोल बेल रहा है मुझे। ये रहा प्रकाश, जो जब से आया हूँ जब से सोया ही है, पता नहीं 28 डिग्री सेल्सियस जो बहुत ही ज्यादा धूप है। नहीं, बिहार सरकार के द्वारा चलाई जाती है CNG और विवेक दौर के बाद रहुआ देखलवानी पवन ब्लॉग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं पटना भैया के पास, ये सामान लेके, बहुत ही ज्यादा सामान हो चुका है और बैग अपना है, क्योंकि झोला में लेके जाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या सामान ही इतना ज़्यादा है कि झोला में लेके जाना पड़ेगा। तो चलते हैं वहाँ, अगर रात को रुकेंगे तो वहाँ का नाइट व्यू दिखाएंगे, बहुत ही भैया के रूप में से मस्त दिखता है। वैसे मैं ये दूसरी बार जा रहा हूँ, चलते पहले ऑटो पकड़ते हैं, बस से चलेंगे हम लोग। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने छपरा के बस स्टैंड, और ये है हमारा छपरा का बस स्टैंड। थोड़ा मतलब अभी बस स्टैंड दूसरी जगह बन रहा है, बहुत ही छोटा बस स्टैंड है, बहुत ही छोटा, मतलब क्या ही बताऊँ आपको। तो पटना के लिए बस देख रहा हूँ, बस में बैठ के फिर आपसे बात करता हूँ। तो फाइनली मैं बस में आ चुका हूँ और धूप बहुत ही ज़्यादा है, और ये है बस, ये है हमारी बस, पटना नगर बस सेवा यानी बिहार सरकार के द्वारा चलाई जाती है CNG ग्रीन बस सर्विस। ये CNG से चलती है, और ये पता नहीं इसका भाड़ा कुछ है कि वही रेट है जो प्राइवेट बस चलती है उसका वही रेट है, इसका अलग है, पता नहीं बैठने के बाद मालूम चलेगा, और भाड़ा ये लेंगे तब उसके बाद मालूम चलेगा। तो चलते पहले अंदर बैठते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ही ज़्यादा, क्या बता दें कि जैसा पता चलेगा, बहुत ही ज़्यादा धूप है। कितना डिग्री है चेक करके बताता हूँ, आज 41 डिग्री सेल्सियस जो बहुत ही ज़्यादा धूप है। तो हम लोग बस में बैठे हैं अंदर, और ये आंटी जी का सामान है, थोड़ा साइड कर दे। इस तरह इधर ही धूप लगेगा, इधर आ जाइए तब आप पीछे। आम है क्या इसमें? नहीं, बैठ जाइए पीछे। 41 सेल्सियस धूप है, और इसके कारण क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, गर्मी बर्दाश्त से बाहर है। तो चलते पहले पानी वगैरह पीते हैं, फिर यहाँ से बस निकलेगी, रास्ते का व्यू दिखाते हुए चलेंगे पटना भैया के पास। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पटना के गांधी सेतु पुल के पास, और ये पुल बहुत ही लंबा है, ये आपको अभी गांव कस्बा दिख रहा है, इसके बाद आपको देखिए खेत दिख रहा है, तरबूज उरबूज बोया गया है, बहुत ही सारा फल। और उसके बाद हम आते हैं आगे, तो देखते हैं कि बहुत सारा पानी, मतलब पानी आधा है आधा पानी नहीं है, और वो आपको जो बोटिंग दिख रहा है वो शायद टूरिस्ट बोट है, उस पर आप जाइएगा, कुछ पैसा जो भी चार्ज हो उसका, उस पर बैठ के आप सैर कर सकते हैं गंगा जी का। और वो सामने आपको एक लंबा सा पतला सा दिख रहा होगा लाइन, वो है ब्रिज बना हुआ, पता नहीं किस चीज़ का उद्घाटन है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका इन्जॉय व्यू लेते हुए हम चलते आगे। फाइनली मैं गायघाट पहुंच गया, और गायघाट आने के पहले मैं इसके पहले आते थे पुल नहीं बना था, और जो अभी पुल फिलहाल बन गया है, और बहुत कुछ चेंजिंग हुआ है। पहले आया था तो वो दीघा पुल का भी उद्घाटन नहीं हुआ है, वो भी उद्घाटन हो गया है। अब चलते हैं, यहाँ से हमें नीचे जाना होगा, वहाँ से ऑटो मिलेगा हमें। तो फाइनली मैं रूम पर आ गया, रूम पर आए हुए तो बहुत देर हो गया, लेकिन आगे थोड़ा रेस्ट कर रहा था, और ये देखिए ये सब यहाँ पढ़ते हैं लौंडे, ये रहा राहुल, ये रहा प्रकाश, जब से आया हूँ जब से सोया ही है, पता नहीं कितना सोता है। देखिए देखिए क्या कर, फिर से फिर से, हाँ देखिए देखिए क्या कर। और वो रहा विवेक, रोटी बना रहा है, और ये रहा मनीष, और ये रहा इनका सेटअप पढ़ाई का, कपड़ा वगैरह, तीन, एक दो तीन बेड है, और एक नीचे भी है, और ये लौंडे मेहनत कर रहे हैं, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कुछ नहीं बनेंगे तो प्राइवेट में काम करेंगे और क्या। हमें तो सरकारी नौकरी का मैं तो तैयार ही नहीं करता। और ये देखिए रोटी सही से गोल गोल बेल रहा है मनीष, वाह मनीष। और विवेक तावा पे रोटी बना के और आग पे सेक रहा है, दिखाऊंगा आपको कुछ देर में, तावा पे बेल रहा है, उसके बाद आग पे इस तरह के पलट दे रहा है। जो मैं भी रोटी बनाता हूँ, मैं भी गोल बेल लेता हूँ, लेकिन इस तरह मैं आग पे नहीं जाता, मैं तावे पे ही फुला देता हूँ। और ये मैच देख रहा है, देखिए IPL भी चल रहा है, क्या कहते इस रे छोकरा राख ले, कितना स्कोर हुआ है 70 पे KKR, कल वो लड़बो जीत वो उसका डाई लकी है। चलते हैं रोटी फ्राई इनका मदद करते हैं, भिंडी भी लाया अभी मार्केट से। तो खाना वाना खाने के बाद सो गए थे बहुत जल्दी, और जैसा सो गए अभी सुबह उठे हैं, तो ये सब छोट का पढ़ाई कर रहा है सब, और विवेक दौर के बाहर लहंगा पुंगा है इसलिए। तो अभी हमें यहाँ से मैं निकलूँगा घर के लिए, मुझे घर पहुँचना है 12 बजे, निकलते हैं अभी यहाँ से तुरंत घर के लिए, रवाना होते हैं 9 बजने वाला है, जाके बस पकड़ते हैं, बस पकड़ सीधा जाते पहुँचते हैं घर, क्योंकि मम्मी घर पे आज है भी नहीं, और मुझे छपरा में कुछ काम भी है। तो फाइनली मैं गायघाट पहुंच गया, और चलते हैं बस देखते हैं जल्दी से, छपरा जल्दी से पहुंचना है बस देखते हैं, क्योंकि छपरा मैच कांग्रेस का नमिनेशन भी शायद होने वाला है, तो वहाँ गाड़ी भी बंद हो जाए, तो चलते हैं पहले छपरा। तो फाइनली मैं बस में बैठ गया, और प्राइवेट बस, ये प्राइवेट बस में बैठा हूँ, सरकारी बस है,
सरकारी बस से आपको लगेगा 16 रुपया, प्राइवेट बस से 24 रुपया। प्राइवेट बस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, आप इसका सीट देखिए जो मतलब रिलैक्स देता है, मतलब क्या लेट सकते हैं। सरकारी बस में ऐसा कुछ नहीं है, और उसमें बता रहा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और उसमें दो गेट नहीं अच्छा है। अभी मैं पटना ब्रिज पे जो वीडियो में आपने मुझे पहले देखा, ये है मॉर्निंग का व्यू, तो चलते हैं। तो फाइनली मैं छपरा पहुंच चुका हूं और मैं अभी बुआ के घर आ चुका हूं। आपको क्या ही बताऊं, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था बस के बाद, मैंने थोड़ा सा फोन यूज किया उसके बाद डिस्चार्ज हो गया। मुझे गरखा की तरफ उतार दिया गया था क्योंकि कांग्रेस का नॉमिनेशन हो रहा था। मैंने पहले ही बताया था कि कांग्रेस का नॉमिनेशन, गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी। मैं वहाँ से पैदल भगवान बाजार आया, भगवान बाजार तक पैदल आया। आगे मैं बुआ घर पर रेस्ट कर रहा हूँ, कपड़ा वपड़ा चेंज किया मैंने, आगे मैं यहाँ रेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ा। 120 रुपया गाड़ी वाले ने तो भाड़ा ले लिया, और मैं बोल रहा था ना प्राइवेट बस और सरकारी बस में बहुत अंतर है, 4 रुपये का अंतर है। 120 रुपया लगता है प्राइवेट बस का और 116 रुपये लगता है सरकारी बस का, लेकिन सीट का जो सीट जो आपको मिलता है बहुत ही प्राइवेट बस का रिलैक्सफुल रहता है, आप उस पर लेट सकते हैं, सो सकते हैं, लेकिन सरकारी बस में ऐसा नहीं है। आपको मतलब ये गर्दन ऐसे मुड़ जाएगा, बहुत पेन होता है, और प्राइवेट बस में मतलब ये चलती है तो थोड़ा स्मूथ फील होता है। तो होप करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको फिर नया ब्लॉग देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।